हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए करें इन नियमित योगासनों का अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जिस हृदय की मांसपेशियों को ईश्वर ने सबसे अधिक मजबूत बनाया था, क्योंकि ईश्वर को तो मालूम है कि इसे जन्म से मृत्यु तक काम करना है, लेकिन वही सबसे अधिक मजबूत मांसपेशियां बहुत जल्दी कमजोर हो गई हैं। उसका कारण हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल और व्यायाम का अभाव। खान पान में सबसे अधिक तो खान पान ही इसको परेशान किया है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, जिन अभ्यासों को मैं बताने जा रही हूँ, एक तो ये सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मगर जिनको अभी हार्ट अटैक आ चुका है तो वो इसमें से कुछ अभ्यास अभी छोड़ दें, लेकिन जब डॉक्टर बोल दे कि हाँ आप कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो बता रही हूँ ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है। क्योंकि मांसपेशियाँ जब मजबूत होंगी तभी तो वो अच्छा काम कर पाएंगी, और मैंने बोला आपने उन्हें कमज़ोर बना लिया है। तो आज मैं बहुत सरल से थोड़े से अभ्यास, थोड़े से प्राणायाम बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं, एक अभ्यास जो बैठ के भी किया जा सकता है खड़े होके, और जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपको कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है रामबाण है। देखिए, हाथ यहाँ रखा, क्योंकि हम योग में क्या करते हैं, किसी भी अंग में दबाव और खिंचाव देते हैं, इसके जरिए वहाँ रक्त का संचार बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ब्रीद आउट, अभी हार्ट दबा, ब्रीद इन, हृदय की मांसपेशियां खींची, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, और ऐसे ही उल्टे में भी, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये करने में बहुत सुगम है, हालांकि इसके और दूसरे लाभ हैं बहुत, लेकिन मैं आपको हृदय के लिए बता रही हूँ जो सब कर सकते हैं, बैठे बैठे चेयर पे, जहाँ भी बैठे हैं आप इसको आराम से करिए, सांस के साथ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। लेकिन जिनका ऑपरेशन हो चुका है और वो रेस्ट से अब थोड़ा टहलना शुरू कर चुके हैं, वो 5-5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, ऐसा दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। बाकी लोग 10-10 बार भी कर लें तो दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मैं सीधे बोलूँगी खड़े होकर किया जाने वाला एक अभ्यास, वीरभद्रासन। ये उन लोगों के लिए जो अपने हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं। सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर ले गए, शरीर पीछे खींचा, लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास से श्वास के साथ अपनी क्षमता के अनुसार रुके, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाए, सांस भरे, श्वास पर श्वास लेते हुए, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। ये अभ्यास देखिए पूरे शरीर की मांसपेशियों को तो मजबूत बनाता ही है, करते हुए हार्ट की मांसपेशियां खींची तो जिससे वो भी मजबूत बनेंगी। तो मैं दो अभ्यास बता चुकी हूँ, इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि सीधे भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए हार्निया के पेशेंट इसको ना करें, आपसे अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना उठ सकते हो उतना ही उठिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ आप देख रहे हैं हृदय की मांसपेशियों में बहुत अच्छा खिंचाव है, लंग्स में तो है ही, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। अगर आप इतना नहीं उठ सकते तो आप ऐसे ही उठ जाइए और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। भुजंगासन के बाद दूसरा अभ्यास मैं बोलूंगी, ये भुजंगासन शर्वासन उन हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा है जिनके अभी हृदय को मतलब डॉक्टर ने कमजोर बता दिया है, उनके लिए भी अच्छा है। आप क्या करेंगे, शर्वासन के लिए मुट्ठी बनाएंगे, मगर हार्निया के पेशेंट जरूर इन दोनों आसनों को ना करें। मुट्ठी लगाएंगे जंघाओं के जोड़ पर, और हृदय रोगियों को चूंकि एक ही पांव उठाना रहता है, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाया और ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ऐसा ही दूसरे पांव को सांस भरते हुए उठाया ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 4-5 बार रिपीट करेंगे शलभासन को भी। इसके बाद मैं आपको
फिंगर्स को इंटरलॉक ताड़ासन लेट के, देखिए खड़े होके भी किया जाता है मगर इसे लेट के भी कर सकते हैं। तो लेट के किए जाने वाले आसनों में ये आसन बहुत अच्छा है। आप दोनों पैरों को मिला लें हाथ पीछे और सांस भरते हुए शरीर को अपोजिट दिशा में खींचे और छोड़ दें। इसका भी 3 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। आप देख रहे हैं पूरे शरीर में खिंचाव के साथ, हार्ट पर बहुत अच्छा खिंचाव है। आप मिनिमम 3 बार तो हर कोई कर सकता है, 5 से 6 बार भी करेंगे तो आपको एकदम हल्कापन महसूस होगा शरीर में। और इस अभ्यास को करने के बाद मैं एक अभ्यास और बोलूंगी, वो है पवन मुक्तासन। तो ये एक पांव से ही करेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये डाइजेशन वात रोग के लिए बहुत अच्छा है मगर हृदय रोगियों को भी करना चाहिए। ब्रीद आउट ब्रीद इन, इसको भी दोनों पैरों से बारी बारी से 3 से 5 बार। ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन और रिलैक्स। क्योंकि आप हृदय रोगियों को लगातार नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोगों को वो लोग कर सकते हैं जो अभी हृदय रोगी नहीं है मगर हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो लगातार कर ले। हाँ जब बहुत थक जाए तो बात अलग है। और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठे और अब आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैं इसके बाद मैं बोलूँगी कि आपको 3 प्राणायाम भी करने चाहिए जो बहुत अच्छे हैं। ये हमारे माइंड के लिए तो है ही, मन तनाव को दूर करते हैं। हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण तो तनाव भी है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रामरी और उज्जायी। बस सभी हृदय रोगियों को 3 अभ्यास ही जरूर करने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो पद्मासन में बहुत आसानी से बैठती हूँ, पर जो नहीं बैठ सकते हैं वो वज्रासन, सुखासन, पलंग पर, कुर्सी पर पाँव लटका के भी बैठ सकते हैं। तो आप जिसमें सुविधाजनक रूप से हो वैसे बैठे। और सबसे पहले मैं बोलूँगी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप अपनी इस मुद्रा को एक हाथ से बना लें, एक हाथ से ये मुद्रा बना करके राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इसको बिल्कुल आराम से 4-5 मिनट तक करते रहिए। मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। ये था अनुलोम विलोम। उसके बाद मैंने बोला भ्रामरी। भ्रामरी में जीभ को तालू पे लगाते हैं, कान बंद करते हैं, आँख भी बंद करते हैं और जो नाक से श्वास खींचते हैं, तो जब हम श्वास छोड़ेंगे मुंह बंद करके माँ बोलेंगे तो एक हमिंग बर्ड की आवाज़ आएगी। हमिंग जो हमिंग शब्द है वो आपको सुनाई पड़ेगा, वो हमारे ब्रेन की मसाज करता है, तनाव से हमें दूर रखता है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। वास्तव में ये तनाव को दूर कर माइंड हम एकदम अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और दूसरा उज्जायी, मैंने बोला उज्जायी क्या करते हैं, वो हार्ट में खिंचाव देता है, हृदय को मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत लाभदायक है। और इसके लिए भी जीभ तालू पे जाएगी, पीछे जीभ को मोड़ के रखेंगे और हम नाक से जो सांस खींच रहे हैं, लेकिन नाक से तो सांस भर रहे हैं, हम गले से खींच रहे हैं उस श्वास को अपने अंदर,
जो नाक से श्वास जा रही है उसको हम अपने गले से अंदर खींच रहे हैं। जब हम गले से खींचेंगे तो एक हल्का सा खरखराहट खर्राटे जैसा स्वर आएगा, और जब छोड़ना भी है तो उसी तरीके से छोड़ना है, गले से ही अपन को उसको प्रेशर देके छोड़ना है, जिससे दोनों बार एक जैसे खर्राटे नींद में लोग भरते हैं वैसी आवाज आएगी। मैं आपको करके बताती हूँ। दोनों नाक से सांस भरना है, छोड़ते हुए राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेंगे दोनों नाक से छोड़ेंगे लेफ्ट से। बस इस तरीके से आप देखेंगे, जब भी इस तरीके से खींचेंगे तो आपके हार्ट के ऊपर एक खिंचाव आएगा, इससे इसी वजह से हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो ये अभ्यास और ये आसन थोड़े से हर किसी को करना चाहिए, ताकि उनकी हृदय की मांसपेशियां भगवान ने जैसी बना के भेजी थी, कम से कम वैसे नहीं तो उतनी मजबूत तो बना लें कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। और इसके साथ हृदय को मजबूती देने के लिए खाली देखिए इसे आहार में तो बदलाव चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उनको अपने आहार में रोज़ शामिल करें। जैसे 2 कली लहसुन का कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और एलिसिन नामक जो एक पदार्थ है इसके अंदर लहसुन में, वो आपको अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ता है, जिससे आपकी श्वास की नलियाँ फैलती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन सामान्य रूप से सरलता से होता है। तो लहसुन का प्रयोग जरूर करें। दूसरा, आंवले का किसी भी रूप में प्रयोग करें, लेकिन सीजन में थोड़े दिन आता है तो उसके पाउडर का कर ले आप, क्योंकि आंवले के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो आपके हृदय की जो नस नाड़ियाँ नर्व है उसको लचीली बना के रखती हैं, तो लचीली नस नाड़ियों में तो आसानी से ब्लड फ्लो होने लगेगा। तीसरे नंबर पर मैं बोलूँगी, अनार का जूस किसी न किसी रूप में रोज़ लें, ये भी आपके हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने बहुत थोड़ी सी जानकारी दी है, और ख़ास करके इन युवाओं को इसका प्रयोग रोज़ करना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य होगा और हृदय मजबूत होगा। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।